हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज माँ की रसोई में बनाएंगे सूजी का ढोकला। तो सबसे पहले हम इस तरह से सूजी ले लेंगे। तो अब इसे मिलाएंगे हम खट्टा दही। इसमें मिलाएंगे खट्टा दही, इसको हम इस तरह से मिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से मिला लेंगे। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें मिलाएंगे तेल और इसको हम मिक्स करेंगे। और इसमें मिलाएंगे बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी। इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम इस तरह से ले लेंगे बर्तन और इसमें हम इसको डालेंगे। तो इस तरह से हम पानी गर्म कर लेंगे, इसको हम इसमें डालेंगे। इसको हम इस तरह से ढक देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं इस तरह से। तो ये बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इस पे अब हम तड़का लगाते हैं। तो तेल इधर गर्म हो चुका है। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों। तो आप काली या पीली कोई भी सरसों डाल सकते हैं। तो ये हमने सिंपल तरीके से ढोकला रेसिपी बनाया। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं नींबू और चीनी का घोल। तो थोड़ा सा पानी लिए हैं हमने और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी। और नमक थोड़ा सा। और इसमें डालेंगे नींबू का रस। और इसको हम मिलाते हैं। इसको हम इस पर से डालेंगे। तो देखिए बन के रेडी हो चुका है। तो इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ढोकला। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।